व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राम खान एंड बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने मंगा लिए हैं एक ब्लूटूथ हेडसेट जो कि बोट कंपनी के हैं। एंड सच्ची बताऊं गाइस कि बोट कंपनी का प्रोडक्ट अभी तक मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो करते हैं इस पार्सल को अनबॉक्स और देखेंगे क्या क्या इस पार्सल के अंदर, किस टाइप के बोट के प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ हमें एडिशनल चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कलर कैसा है, प्राइस कैसा है, मैंने इसको कहाँ से मंगाया, मैंने इसको कितने का मंगाया, सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारे चैनल पर कोई अनबॉक्सिंग वीडियो आई है, सो इसको लास्ट तक देखना तो जरूर बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेट बैक टू द वर्क एंड दैट स्टार्ट्स इट्स अनबॉक्सिंग, स्टे ट्यून्ड। सो हियर वी गो, ये रहा हमारा फ्लिपकार्ट का पार्सल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एड्रेस की वजह से मैंने यहाँ पर अपना थंब रख लिया है। ये बॉक्स चलिए करते हैं फटाफट इसको अनबॉक्स। और ये मैंने उठाया अपना कटर, फर्स्टली यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा बिल, जैसे 1163 का ये मुझे पड़ा है, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ काट कर इसको रखते हैं पार्ट साइड। एंड फाइनली हमारा बोट का बॉक्स हार्दिक पांड्या की ब्रांडिंग के साथ, यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर वेट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल प्राइस है इसकी गाइस वो आप लोग देख सकते हैं, लगभग 3000 का है ये। एंड फाइनली गाइस चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। जिस टाइप का बॉक्स खुलने के बाद इसमें सारी चीज़ें आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाते हैं बोट के स्टिकर्स, ऑफ दैट बोट का एक कार्ड, एंड हमें कुछ बोट की पैम्पलेट्स, यहाँ पर बोट के सारे जो हैं प्रोडक्ट्स के बारे में हैं। बोट के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो सब इस पैम्पलेट में आपको मिल जाएगा। यूज़र मैनुअल मिलती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी हमें सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी हैं, फिर भी चाहें तो इसको एक बार वेट कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस हियर वी गो, हमारे ईयरबड्स, ये रहे बोट के ब्लूटूथ हेडसेट। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें कुछ एडिशनल यहाँ पर 4 ईयरबड्स मिल जाते हैं। बाई चांस आपके जो एयर के ईयरबड्स हैं उसमें कुछ गंदगी वगैरह जमा हो जाती है या वो कट जाते हैं, तो आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 4 हमें एडिशनल ईयरबड्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हमें छोटी सी एक डेटा केबल, अगर आपके चार्जर जो है वो इस टाइप का नहीं है तो आप इसको अपने चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं और इस पिन को अपने बोट के एयरफोन में लगा सकते हैं, जिससे आपका बोट का एयरफोन जो है वो आसानी से चार्ज हो सकता है। बहुत छोटी सी है, इसके साथ चार्जर आपको मिलता नहीं है, यही शायद इसका माइनस पॉइंट है। आप अपने किसी भी मोबाइल का चार्जर यहाँ पे लगाकर इसको उसके साथ सेट कर सकते हैं। एंड गाइस फाइनली ये रहे हमारे एयरबड्स, मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक सिस्टम मिलता है, दोनों ईयरबड्स के पीछे बोट की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मैग्नेटिक सिस्टम, जिससे आसानी से ये ट्विस्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड यहाँ पर हमें बोट की ब्रांडिंग मिलती है। एंड दूसरी साइड में हमें 3 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन एंड यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन। और किसी की कॉल वगैरह आती है तो हम इसी से यहाँ पर कॉल को भी रिसीव कर सकते हैं। ये हमारी इंडिकेशन लाइट है, अगर बैटरी डाउन होगी तो रेड कलर की शो होगी, वरना आपकी ब्लू कलर की शो होने लगती है। एंड इस टाइप से यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी दी गई हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने एयरबड्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इसको यहाँ पर छोटा भी कर सकता हूँ और इसको ऊपर करके अपने नेक के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ है, चाहे इनको एक ही हाथ में ले सकता हूँ और देखिए कोई प्रॉब्लम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड क्वालिटी भी बिल्कुल मुझे एकदम A1 लग रही है। बाकी इसको यूज़ करने के बाद मैं थोड़े दिन बाद इसको एक रिव्यू लेकर आऊँगा कि मुझे इसको बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इसकी साउंड वगैरह कैसी है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो गाइस 1163 के ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए, जैसे कि आपने बॉक्स देख ही लिया होगा, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे एंड ब्लू कलर में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लगा, इन एयरपॉड्स के बारे में आप भी क्या राय हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप।